व्हाट्सएप कस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको व्हाट्सएप के जो कस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग है उसके रिगार्डिंग पर आपको सेटिंग करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि दोस्तों आप कस्टम सेटिंग करते हैं और दोस्तों यदि वो आपका यहाँ पर दोस्तों किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप दोस्तों यहाँ पर कस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको जब भी उससे नोटिफिकेशन आते तो आपको आवाज़ से ही उसका नोटिफिकेशन आया है पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों कस्टम नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो आप दोस्तों यदि कोई स्पेशल पर्सन है तो उसके लिए दोस्तों आप कस्टम नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आपको काफ़ी सारा मैसेज वगैरह आते रहते हैं, डिस्टर्ब होते रहते हैं और आपको दोस्तों यहाँ पर पता नहीं चल पाता, ठीक है, कौन का किसका मैसेज आया है, लेकिन दोस्तों आप जब भी यहाँ पर कस्टम नोटिफिकेशन लगा देते हैं आप और उसको रिप्लाई मिस नहीं करना चाहते, तो कस्टम नोटिफिकेशन के थ्रू आप उसका नोटिफिकेशन को पहचान सकते हैं और दोस्तों आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि उस बंदे ने जो है आपको मैसेज किया है, ठीक है। तो आप दोस्तों सिंपली इस सेटिंग को जरूर कर लीजिएगा यदि आप यहाँ पर किसी के लिए भी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन सेटिंग करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो को शुरू करते, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका जो कस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग है, ठीक है, तो उसको आप व्हाट्सएप पर जाके ढूंढ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं इस नंबर के लिए सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यदि मैं सेट करना चाहता हूँ तो थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा। तो थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मोर पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है उसके प्रोफाइल पर डायरेक्टली, ठीक है, उसके प्रोफाइल पर जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों गलती हो गया था फर्स्ट में, ठीक है, वो सेटिंग, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आ जाना है उसके प्रोफाइल पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है कस्टम नोटिफिकेशन। तो उसके बाद दोस्तों आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये तो आपको इसमें टैप करना है, ठीक है। तो ये जब तक कि आप ओपन नहीं करते आपका कस्टम नोटिफिकेशन इनेबल नहीं होगा, तो ये इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन टोन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पेशल टोन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इससे कुछ भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो नोटिफिकेशन टोन यहाँ पर चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेट वगैरह आप सेट कर सकते, ठीक है। यदि आपका यहाँ पर सैमसंग का मोबाइल है तो उसमें दोस्तों आपको तीन प्रकार का यहाँ पर मिल जाएगा वाइब्रेट, ठीक है, वाइब्रेट ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से ये सब कर सकते हैं, ठीक है, कॉल नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं, उसके लिए वाइब्रेट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर वाइब्रेट भी देख सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेट भी आप जो है अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली वाइब्रेट वगैरह और रिंगटोन वगैरह, मैसेज टोन वगैरह आप चेंज कर देते तो उसके बाद दोस्तों ये इनेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब भी इस नंबर से आपको यहाँ पर मैसेज आते या फिर कॉल आते वो कम्प्लीटली दूसरों से अलग होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने चेंज किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी का भी यहाँ पर कस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी फ्रेंड चाहे उसका कर सकते हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा कौन फ्रेंड आपको मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो मुझे और मेरे दोस्तों आपको अभी समझ में आ गया होगा व्हाट्सएप का कस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।